मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 3 जिलों के दौरे पर गोरखपुर आए। यहां शनिवार को एक बार फिर से 628.59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सौगात भी देने वाले हैं। जल निगम और लोक निर्माण विभाग PWD की 195 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाना है। 61.38 करोड़ रुपए की लागत वाली जिन दो प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ मंदिर से नकहा ओवरब्रिज होते हुए स्पोर्ट कॉलेज तक मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी शामिल है। मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास वाली सभी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की हैं। कुल 193 परियोजनाओं पर 567.21 करोड़ रुपए खर्च कर ग्राम पंचायतों पर घर घर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।